नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ के हालातों को देखते हुए बैठक बुलाई है। हालांकि इससे पहले भी बुधवार को अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की और जोशीमठ के हालचाल जाना है। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को जोशीमठ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जोशीमठ भूमि धंसने के महत्वपूर्ण मदद के पर सीएम से बातचीत की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम धामी ने बता दें बुधवार रात से ही जोशीमठ में है। उन्होंने बीती रात अलग अलग राहत कैंपों में जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। इसी संकट को लेकर आज मुख्यमंत्री भी एक हाईवे बता दें कि हाई लेवल की बैठक करने जा रहे हैं, जिससे पहले वो जोशीमठ के मशहूर नरसिंह मंदिर में प्रार्थना करने पहुंचे थे। धामी सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की तत्काल अंतरिम राशि दी गई है और इसमें साथ ही राहत और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जाने को काम भी किया जा रहा है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में 19 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है, जो बता दें कि प्रभावित परिवारों को पैकेज राशि और पुनर्वास पैकेज की दर सुनिश्चित करेगा। साथ ही भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए इमारतों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने का कहना है कि ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जो सही नहीं है। ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। फरवरी में ही ओली में इंटरनेशनल विंटर गेम होने वाला है, वही कुछ महीने में चारधाम यात्रा भी शुरू होगी। ऐसे में इस तरह की गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। धामी ने साफ कर दिया है कि अभी सिर्फ 2 होटलों को गिराया जा रहा है और न कि असुरक्षित घरों को। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस मिल गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस मिला है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी। उन्होंने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर बता दें उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी दी थी। इसके बाद से काफी विरोध उनका हुआ। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। नुपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में मामले भी दर्ज कराए गए हैं। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। नुपुर शर्मा ने जून 2022 में टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को और उनकी तीसरी पत्नी आशिया के बारे में विवादास्पद बयान दिया था। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। देश के कई राज्यों में नुपुर के बयान को लेकर हिंसा हुई है। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम देशों में इस बयान की निंदा भी की गई है। इसके बाद से बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद से नुपुर ने माफी मांगी थी। कई राज्यों में नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप में केस भी दर्ज हुए हैं। राजस्थान के उदयपुर में आपको बता दें कि इस दौरान नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर हत्या भी करने की बात कही जा रही है और साथ ही कई तरह के नुपुर शर्मा को धमकी मिल रही है, जिसके बाद से उनको अब बता दें कि हथियार का लाइसेंस मिला है। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। पंजाब में यात्रा के दौरान राहुल गांधी पगड़ी पहने हुए नजर आए। वहीं अब उनकी पगड़ी पहनने पर भी नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जो कुछ भी करती है वो सिर्फ दिखावा होता है, स्क्रिप्टेड होता है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा में पगड़ी और उनके रंग को बांधने के लिए किसे बुलाया जाना चाहिए सहित सब कुछ कोरियोग्राफ और किया गया है। और हालांकि आपत्तिजनक बात यह है कि जब कैमरे नहीं थे तो राहुल गांधी ने पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। राजनीतिक के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करना कांग्रेस के DNA में है। वही बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा है कि अभी नहीं बांधूंगा, कैमरा और मीडिया वाले नहीं थे तो राहुल गांधी ने सिर पर
दस्तार सजाने से मना कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट से लेकर दस्तार तक हर हरकत एक नौटंकी और लिखी हुई स्क्रिप्ट है। गांधी परिवार का सिख विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। उत्तराखंड वन विभाग निगम के अध्यक्ष ने जोशीमठ के लिए संतों से आगे आकर मदद करने की अपील की है। वहीं संतों ने आश्वासन दिया है कि सरकार ने जो भी मदद चाहिए उन्हें देने के लिए वे तैयार हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव के कारण कई परिवार आपदा की चपेट में आ गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए वहाँ रह रहे लोगों को राहत मिल सके। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लोगों को खाने पीने की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रहे है, इसको लेकर साधु संतों से भी आगे आकर मदद करने की अपील की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे वन विभाग निगम के अध्यक्ष कैलाश गहलोत्री ने साधु संत से मुलाकात कर इस विपदा की घड़ी में संतों से सहयोग की अपील करी है और साधु संत द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि सरकार को जितनी भी मदद की जरूरत है उनके द्वारा की जाएगी। आज मंत्री जी हमारे आश्रम से हरिद्वार में आए और यही चर्चा हुई कि जो दैवीय आपदा आई है अभी जोशीमठ में, इसके लिए हमारा पूरा युवा भारत साधु समाज संत समाज सरकार के साथ खड़ा है और जो भी सरकार इसके लिए हमें कहेगी मदद के लिए हम पूरा संत समाज तैयार है। से ज़्यादा जो सहयोग बन सके हम सबको मिलजुल करके करना चाहिए और इस आपद की घड़ी में युवा भारत साधु समाज संत समाज जोशीमठ के उन पीड़ित लोगों के साथ है, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। हरिद्वार विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार सेवा विभाग के द्वारा ज्वालापुर की विष्णु लोक कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने शिरकत की है। आपको बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा हरिद्वार सेवा विभाग के द्वारा विष्णु लोक कॉलोनी में गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कोचिंग खोला गया है जिसमें विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार सेवा विभाग के द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वहीं विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार सेवा विभाग के द्वारा विष्णु लोक कॉलोनी में संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ड्रग इंस्पेक्टर अमिताभ भारती के द्वारा बस्ती में रहने वाले बच्चों को सर्दी से बचाए जाने के लिए निःशुल्क स्वेटर वितरण किए गए। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार सेवा विभाग के द्वारा किए जा रहे इस अच्छे काम को देखते हुए संस्था के इस कार्य को लेकर सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी है। विश्व हिंदू परिषद जो कि सेवा करता है और इनके द्वारा जो है जो भी पुअर बच्चे हैं और जो भी ये बस्तियों में रहने वाले जो है बच्चे हैं उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ाया जाता है और मैं इनके कार्य को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि जो एक तरीके से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको सहयोग करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेहद सराहनीय कार्य है और इसलिए मेरे द्वारा इनके साथ जो है जो भी मुझसे कभी सहयोग होता है और मैं इनके साथ खड़ी रहती हूँ ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी जो भी कला है उसमें आगे आए और हमारे देश नाम करें। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और हज समिति अध्यक्ष खतीम अहमद मलिक समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दरगाह साहिब पार्क में चादर फल पेश कर उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव की समस्या से प्रभावित लोगों की सलामती और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और हज समिति अध्यक्ष खतीम अहमद मलिक ने कलियर पहुंचकर दरगाह साहिब पार्क में चादर चढ़ाया और साथ ही फल पेश किए हैं। इस दौरान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि जोशीमठ में जमीन धंसने से दरार लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण लोगों को अपने आवास छोड़ने पड़ रहे हैं। उन्होंने आज दरगाह साहिब पार्क में चादर और फूल पेश कर उनकी सलामती की दुआ मांगी है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके विस्थापन के लिए काम कर रही है और वहां पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। साथ ही देश भर में जोशीमठ के लिए दुआ मांगी जा रही है। हज समिति अध्यक्ष खतीम
अहमद मलिक ने कहा है कि सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रही है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जब जब परेशान होते हैं और जब जब ऐसा लगता है कि अब दवा काम नहीं आ रही है, तो हम दुआओं के लिए आते हैं। और आज उसी जज्बात के साथ अपने जोशीमठ को बचाने के लिए, जोशीमठ के मासूम बच्चों से उनका घर छूट रहा है, वो उनका घर उनसे न छूटे, उनके घर जो टूट रहे हैं ऊपर वाला कोई करिश्मा ऐसा कर दे, तो उस करिश्मे को मांगने के लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। और बहुत दिल से रो रो के हमने ऊपर वाले से यहाँ ये मांगा है कि उन मासूम बच्चों के मासूम चेहरों का वास्ता आपको, कि कम से कम जोशीमठ को बचा दीजिए। वो जो रुक हो रहा है वो एक कुदरत, एक प्राकृतिक आपदा है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ साइंस खत्म हो जाता है वहां से कुदरत शुरू होती है, और कुदरत अगर चाहे तो जो डूबता हुआ मेरा जोशीमठ है उसे वो रोक सकती है। वो करिश्मे के लिए हम यहाँ हाजिर हुए, और मुझे उम्मीद है, मैं आज तक जब जब बाबा के दरबार में आके मैंने यहाँ मांगा है, तब तब मुझे यहाँ से सब कुछ मिला है। आज बाबा के सामने हमने हाथ फैला के ऊपर वाले के, बाबा के आस्थाने के ऊपर वाले के सामने दुआ की। हरिद्वार के सिडकुल स्थित सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के द्वारा कृपाल आश्रम रावली, बता दें कि महदूर में रह रहे विदित लोगों के लिए सीएसआर फंड की जरूरत चीजों को भेंट की गई है। आपको बता दें कि कृपाल आश्रम ने 25 वृद्ध निवास कर रहे हैं, जिसकी देखरेख राजराम गोमद योग सेवा संस्था द्वारा की जाती है। संस्था के प्रोजेक्ट बता दें कि कोऑर्डिनेटर शिल्पी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि सीएसआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के द्वारा अपने सीएसआर फंड से सोलर ग्रीजर, कपड़े रखने को लेकर अलमीरा और साथ ही दीवान बेड और साथ ही ये तमाम चीज़ें वृद्धजनों को भेंट की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इससे पहले भी उक्त कंपनी द्वारा अपने सीएसआर फंड से कई तरह के सामान संस्था को भेंट किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि आज एक बार फिर से कंपनी ने द्वारा अपने सीएसआर फंड के वृद्धजनों को सुख सुविधा के लिए यह सामान भेंट किए गए हैं, जिसके लिए संस्था द्वारा कंपनी को प्लांट हेड महेश त्यागी और साथ ही कंपनी के ऋषि तिवारी का आभार व्यक्त किया गया है। सड़क दुर्घटना को लेकर काम करने और साथ ही लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की हरिद्वार में आज शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी और आपको बता दें कि एसएसपी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम में ऑटो टेम्पो यूनियन से जुड़े ड्राइवर सहित भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बता दें कि जिलाधिकारी विनय कुमार पांडे का कहना है कि इस मुख्य उद्देश्य है कि सड़क पर वाहन चलाने वालों को सुरक्षा सुनिश्चित हो और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे ट्रैफिक के नियमों को पालन हो और शराब पीकर गाड़ी ना चलाई जाए। इसी को लेकर जागरूक सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगों ने काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि यह सिर्फ एक सप्ताह का कार्यक्रम है, मगर लोगों को 365 दिन ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में सुरक्षित हो और सड़क पर चलने वाले को भी हम सुरक्षित रख सकें और जागरूक कर सकें। का मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़क पर जो लोग वाहन चला रहे हैं या सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताया जाए, साथ ही साथ ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसका अनुपालन किया जाए, शराब पीकर गाड़ी न चलाई जाए, इन सब चीज़ों का एक जागरूकता सप्ताह है ये। और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी लोगों में उत्साह था, बड़ी संख्या में लोग आए थे। को तो ये एक सप्ताह का होता है सड़क सुरक्षा, लेकिन ये पूरे 365 दिन लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि वो वाहन नियमों के अनुरूप चलाएं, निर्धारित गति सीमा में चलाएं, अपना जीवन भी सुरक्षित रखें और सड़क पर चलने वालों का भी जीवन सुरक्षित रखें। इनको जागरूक भी किया जाता है, समझाया भी जाता है और यथा आवश्यकतावश उनके ऊपर चालान भी किया जाता है।
हरिद्वार के थाना बहादराबाद पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें सूचना मिली कि बहादराबाद टोल में एक काली स्कॉर्पियो कार गुजरने वाली है और उस कार में एक बम भी है जिसे कार में ही कहीं टिफिन में पैक करके छिपा कर रखा गया है। बता दें कि बहादराबाद पुलिस ने बिना देरी किए हुए को बता दें कि टोल प्लाजा के आसपास के क्षेत्र में घेराबंदी तैयारी शुरू कर दी और हालांकि पुलिस ने इस घेराबंदी में देख आसपास के लोग भी थोड़ा दहशत का माहौल बन गया लेकिन लोग पूरा माजरा समझ नहीं पाते। उसके पहले ही पुलिस ने बदमाशों को बता दें कि दबोच लिया है और साथ ही कोई भी बदमाश ना तो आगे निकलकर भाग सका और इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया और साथ ही इस दौरान पूछताछ लगातार जारी है। और ये मामला हरिद्वार का जहां पर लगातार एक गाड़ी में बम होने का मामला सामने आया था जिसके बाद से पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया है और अब बदमाशों से पूछताछ लगातार जारी है। दिनेशपुर क्षेत्र के चक्की मोड़ में 4 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का शुभारंभ बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। बता दें कि यहाँ पर सोबन सिंह कोरंगा के स्मृति के प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी प्रदेश जिला और क्षेत्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं और इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन पहले नहीं हो पाया था इसके बाद से इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस दौरान वहां दिनेशपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धूमधाम से उस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए लोग नजर आए हैं और साथ ही बता दें कि यहाँ पर दिनेशपुर क्षेत्र के चक्की मोड़ में 4 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और इस दौरान सोबन सिंह कोरंगा के स्मृति के प्रति वर्ष में भांति इस वर्ष भी जिला एवं क्षेत्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मसूरी में आईटीबीपी की बता दें कि पवन सिंह आउट परेड में एक वर्ष के कठिन परिश्रम करने के बाद 45 अधिकारी जिसमें 5 महिला सहायक सेनानी बल के मुख्य धारा में आज शामिल हुए हैं। वहीं पासिंग आउट होने वाले अधिकारियों में उत्तर प्रदेश के 12, दिल्ली के 8, हरियाणा के 5, उत्तराखंड के 4, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र के 2-2, कुल मिलाकर 45 अधिकारी आज आईटीबीपी में मुख्य धारा शामिल हुए हैं। इस अवसर पर परीक्षार्थी के जीवन में इस महत्वपूर्ण समारोह में बल के वरिष्ठ अधिकारियों और साथ ही परीक्षण प्राप्त अधिकारियों के अभिभावकों ने युवा अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाकर उन्हें उत्साह बढ़ाया है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। अंकिता केस में आरोपियों को नार्कोटेक्स को लेकर कोटद्वार कोर्ट में आज अपना फैसला सुना लिया है। जांच कर रही एसआईटी टीम ने आरोपियों को नार्को को लेकर कोर्ट में अर्जी दायर की थी जिसमें लंबे समय से दोनों पक्षों के द्वारा बहस चल रही थी लेकिन आज कोर्ट ने फैसला आ गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों में एक आरोपी के नार्को को लेकर मंजूरी दे दी है। दरअसल 3 आरोपी अंकिता बता दें कि अंकित, पुलकित और सौरभ से कोर्ट ने नार्कोटेक्स को लेकर सहमति मांगी थी जिसे सौरभ और अंकित ने नार्कोटेस्ट को लेकर सहमति नहीं दी थी तो वहीं पुलकित आर्य ने अपनी मंजूरी दे दी थी जिसकी वजह से कोटद्वार कोर्ट ने आज सिर्फ पुलकित आर्य के नार्को और बता दें कि पॉली टेस्ट कराने की मंजूरी दी है तो वहीं अन्य 2 आरोपियों को सहमति न होने की वजह से उनको नार्को टेस्ट और पॉली टेस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमने जो माननीय न्यायालय से मांग करी थी कि पुलकित आर्य का और जो 2 और अक्यूज हैं उनका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए तो आज माननीय न्यायालय द्वारा जो मेन अक्यूज है मेन अभियुक्त है पुलकित आर्य उनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी है और निश्चित रूप से जो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होगा मुख्य अभियुक्त का तो सच्चाई सामने आएगी। कहाँ कौन वो वीवीआईपी था, कहाँ उनका फोन है, कैसे उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया तो निश्चित रूप से अंकिता के परिवार को इससे न्याय मिलेगा
और सच्चाई सभी के सामने आएगी, उत्तराखंड के जनता के सामने आएगी, वीआईपी की सच्चाई सामने आएगी और अंकिता के परिवार को न्याय मिलेगा। उत्तरकाशी में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है, लगभग 5 इंच बर्फबारी हुई है। वहीं विश्व हिंदू गंगोत्री धाम बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें इस दौरान मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा है। मौसम की बात की जाए तो उत्तरकाशी में बादल छाए हुए, इसकी तस्वीर आप ये देखिए किस तरीके से उत्तरकाशी में इतनी बर्फबारी हुई है और एक अलग ही अद्भुत तस्वीर, ये दूसरी बर्फबारी है जो उत्तरकाशी में जबरदस्त तरीके से देखने को मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।